हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीयर्स बी का स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर 2021 के पार्ट 6 को, जिसमें हम जनवरी से सितंबर तक के 750 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर कर रहे हैं। यदि आप आने वाले सर सटवा बीपीएससी पीटी बिहार एसआई आरआरबी एनटीपीसी का मेंस ग्रुप डी एसएससी जीडी इनमें से कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये जो संग्रह किया जा रहा है प्रश्नों का आने वाले इन सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। यदि आपने इस वीडियो के पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना होगा करेंट अफेयर 2021 जनवरी से सितंबर, वहाँ से आप जाकर के इसके सारे पिछले पार्ट को देख सकते हैं। पिछले पार्ट की तरह हमने यहाँ पर भी 25 प्रश्नों को लिया है, तो चलिए यहाँ पर हम इन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सबसे पहला प्रश्न है कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का खिताब किसे प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखें, यहाँ पर 500 कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का संरक्षण किया गया है, जिसमें सबसे नंबर वन स्थान जो हासिल किया उसका नाम है आपका फुकागु, जो कि जापान का सुपर कंप्यूटर है। और बात करें कि प्रश्न यदि आपसे ये पूछा जाए कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ध्यान रखें परम सिद्धि, जो कि 500 कंप्यूटरों में इसका रैंकिंग जो है 63वां है। तो ध्यान रखें विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुकागु और भारत का परम सिद्धि। अगला आपका प्रश्न है कि शहीद उधम सिंह का शहादत दिवस कब मनाया गया। तो ध्यान रखें शहीद उधम सिंह का शहादत दिवस 31 जुलाई 2021 को मनाया गया, और बात करें कि इनकी शहादत कब हुई थी तो 31 जुलाई 1940 को इनकी शहादत हुई थी। और ध्यान रखें कि जालियांवाला बाग के नरसंहार के प्रतिरोध में माइकल ओडायर की हत्या इन्होंने की थी। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है आपसे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो ध्यान रखें 13 अप्रैल 1919 को घटना घटी थी जालियांवाला बाग की। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि जालियांवाला बाग में आदेश किसने दिया था गोली चलाने का, ध्यान रखें माइकल ओडायर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में भारत के कितने बाघ अभयारण्यों को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता मिली है। तो ध्यान रखें 14 बाघ अभयारण्यों को यहाँ पर मान्यता दी गई है। तो चलिए एक नज़र में देख लेते हैं, यहाँ से आपका रिविजन हो जाएगा कौन कहाँ पर पड़ता है, प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। देखिए ये जो मिला है मानस, काजीरंगा और ओरांग, जो कि असम राज्य में पड़ता है। अगला आपका है प्रांबिकुलम, जो कि केरल में पड़ता है। अगला है सतपुड़ा, कान्हा और पन्ना, ये तीनों मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद है पेंच, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। बांदीपुर कर्नाटक में, वाल्मीकि अभयारण्य बिहार में, दुधवा आपका उत्तर प्रदेश और सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 4 कि हाल ही में किस देश ने अमेरिका समेत 10 देशों के राजदूत को अस्वीकार कर दिया। तो ध्यान रखें हाल ही में तुर्की ने अपने देश में 10 देशों के राजदूत को अस्वीकार कर दिया। और बात करें कि तुर्की की राजधानी, तो वहाँ की राजधानी आपका अंकारा है और मुद्रा वहाँ की तुर्किश लीरा। और वहाँ के राष्ट्रपति जो है अभी वर्तमान में रेसेप तैयब एर्दोगन, इन्होंने ये इन देशों पर आरोप दिया कि ये उस देश के निजी मामले में हस्तक्षेप कर रहे थे, इस कारणवश तुर्की ने वहाँ के 10 देश जो कि अपना वहाँ राजदूत भेजे थे उनको अस्वीकार कर दिया। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 5, लिथियम का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है। तो ध्यान रखें लिथियम का सबसे बड़ा भंडार जो है चिली में है, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है। और बात करें इसकी राजधानी कहाँ है, तो ये राजधानी इसकी सेंटियागो है। अभी हाल ही में भारत ने जो बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन नीति जारी की है, इसको चर्चा में लेकर के ये जो है प्रश्न यहाँ से बन सकता है, क्योंकि जो बैटरी में मुख्य रूप से आपका इलेक्ट्रिक वाहन में लिथियम का यूज हो रहा है, तो इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है कि ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य को प्राप्त हुआ है 2021 में। तो ध्यान रखें ई पंचायत पुरस्कार से उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखें डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रीतजकर पुरस्कार 2021 से किन को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर दो व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, एनी लैकटॉन और जीन फिलिप वासल को प्रीतजकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न यह भी बनता है कि प्रीतजकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखें ये आर्किटेक्चर का एक प्रसिद्ध पुरस्कार है। अगला प्रश्न आपका है कि बिहारी पुरस्कार 2020 से किन को सम्मानित किया गया है। ये 2020 का पुरस्कार था लेकिन 21 में सम्मानित किया गया है, तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो ध्यान रखें बिहारी पुरस्कार 2020 से मोहन कृष्ण बोहरा जी को सम्मानित किया गया है।
और किस पुस्तक के लिए, तो इनका पुस्तक का नाम है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। ये जो पुस्तक के लेखक, डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे कि तस्लीमा संघर्ष और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखें मोहन कृष्ण बोहरा, इनके लिए, इस पुस्तक के लिए इनको सम्मानित किया गया है बिहारी पुरस्कार 2020 से। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 10 की साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में हिंदी के लिए किनको सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखें हिंदी के लिए सम्मानित किया गया है अनामिका को। इनकी पुस्तक का नाम है टोकरी में दिगंत, और ध्यान रखें कि ये बिहार की मुजफ्फरपुर के रहने वाली हैं। और बात करें कि अंग्रेजी में किनको सम्मानित किया गया है, तो अरुंधति सुब्रमण्यम को, और इनका जो पुस्तक है वेन गॉड इज ए ट्रेवलर। ध्यान रखें ये दोनों एक तरह की कविता है। और बात करें यहाँ पर कि कितनी भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, तो संविधान में वर्णित 22 भाषा प्लस में आपका राजस्थानी और अंग्रेजी, टोटल 24 भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 11 कि नेहरा गोंगा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, हाल ही में इसमें विस्फोट देखने को मिला है, तो ये प्रश्न आपसे बन सकता है, इसको ध्यान रखिए। तो ध्यान रखें कि नेहरा गोंगा ज्वालामुखी जो है कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, और ये बिरुंगा राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बिरुंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखें कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य में। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 12 कि IIFL हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में प्रथम स्थान पर कौन है, तो ध्यान रखें प्रथम स्थान पर मुकेश अंबानी है। अगला प्रश्न है कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ध्यान रखें रणबीर सिंह नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। अगला प्रश्न आपका है ह्वांगसोंग 8 नामक मिसाइल का सफल परीक्षण हाल ही में किस देश ने किया है, तो ध्यान रखें उत्तरी कोरिया ने किया है ह्वांगसोंग 8 नामक मिसाइल का सफल परीक्षण। और बात करें उत्तरी कोरिया की राजधानी, तो राजधानी ध्यान रखें प्योंगयांग, और वहाँ पर मुद्रा चलती है उत्तरी कोरियाई वॉन। अगला प्रश्न का प्रश्न संख्या 15 की जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो ध्यान रखें जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा, जो कि पहले विदेश मंत्री के पद पर थे और अब प्रधानमंत्री बने वहाँ के। अगला प्रश्न आपका है कि राइडर कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है, तो ध्यान रखें राइडर कप 2021 का खिताब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीता है। और बात करें कि राइडर कप का संबंध होता है, तो ध्यान रखें पुरुष गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं टेस्ला के CEO एलन मस्क, और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस को। अगला प्रश्न आपका है कि जुडिमा राइस वाइन का संबंध किस राज्य से है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है, तो ध्यान रखें जुडिमा राइस वाइन जो है असम राज्य की है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है। और बात करें कि इसे कौन बनाता है, तो ये प्रश्न भी ध्यान रखें प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि वहाँ की डिमासा जनजाति जो है ये शराब बनाती है, तो प्रश्न डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि डिमासा जनजाति कहाँ पाई जाती है, असम में। अगला प्रश्न है कि वैश्विक शिक्षा पुरस्कार मिदान पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखें मिदान पुरस्कार 2021 से रुक्मिणी बनर्जी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, और 2021 में 11 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है, तो ध्यान रखें गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर नीमा बेन आचार्य बनी है। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ, तो ध्यान रखें G20 शिखर सम्मेलन जो है रोम में इटली में हो रहा है, प्रश्न को ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि 27 सितंबर 2021 को भगत सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई, तो ध्यान रखें 27 सितंबर 2021 को भगत सिंह की 114वीं जयंती मनाई गई है। और बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, 27 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था। और ध्यान रखें कि जो हसरत मोहानी ने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद, उनको भगत सिंह ने प्रसिद्ध किया था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।